एसआईपी मत करो, एसआईपी आपके लिए सही नहीं है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं किन किन लोगों को एसआईपी से रहना चाहिए दूर, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसकी मैं हमेशा तारीफ करता हूं उससे भी कुछ लोगों को दूर रहना चाहिए, वो कौन से लोग हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीएसपी, और आइए स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन। इससे पहले कि हम इस बात पे आए कि किन किन लोगों को एसआईपी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, एक लॉजिक वर्सेस इमोशन की बैटल को समझते हैं। लॉजिक क्या बोलता है? लॉजिक ये बोलता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का पैसा है, आप 10 साल 15 साल 7 साल में पैसा बनाना चाहते हैं, तो इक्विटी में आइए, इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड आपको पैसे बना के देगा। इमोशन क्या बोलता है? इमोशन ये बोलता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म का पैसा है उसको तो सेफ रखिए, उसको डेट में पीपीएफ में डाल के रखिए। आप भी सोचिए, आपका लॉन्ग टर्म का पैसा 15 साल का पैसा तो पीपीएफ में पड़ा है, और जिसको भी शॉर्ट टर्म में करोड़पति बनना होता है वो आ जाता है इक्विटी मार्केट में या म्यूचुअल फंड में। आपने बहुत सुना होगा 6 महीने में करोड़पति बनने आए हैं इक्विटी मार्केट में, फिर करोड़पति में से कब करोड़ निकल जाता है पता नहीं चलता और हम रह जाते हैं सिर्फ पति। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ भी होगा अगर आप लॉजिक से नहीं इमोशन से काम करोगे। अब लॉजिक को प्रूव करने के लिए चाहिए डेटा, डेटा पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एफडी की। अगर आपने 30 साल तक एफडी में पैसा रखा है तो आपका 100 रुपए बनता है लगभग 1400 से 1500 रुपए, डिपेंडिंग, पहले एफडी की रेट ज्यादा थी फिर कम हुई, इसे फ्लक्चुएशन रेट्स को ध्यान में रखते हुए 100 रुपए का आपका बनता है एफडी में पिछले 30 साल में 1400 से 1500 रुपए। यही पैसा अगर आपने गोल्ड में रखा हो तो 100 रुपए का बनता है लगभग 4000 के आसपास, और पिछले 30 साल में अगर आपने सेंसेक्स में, अभी हम म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहे, म्यूचुअल फंड यूजुअली सेंसेक्स से एक्स्ट्रा रिटर्न देता है, 4 से 5% का अल्फा जनरेट करके देता है, बट अभी हम जनरलाइज रखने के लिए सेंसेक्स जो कि एक ब्रॉडर इंडेक्स है मार्केट का उसकी बात करते हैं, तो 100 रुपए सेंसेक्स में इन्वेस्ट करे हुए आपके लगभग 28,000 रुपए तक होते हैं। और इसमें अगर मैं डिविडेंड भी ऐड कर दूं कि जिस कंपनी का आपने इन्वेस्ट किया उसके डिविडेंड्स भी आपको मिले उसको भी ऐड कर दूं, लगभग 38,000 होता है। मतलब सेंसेक्स ने आपको 15% से ऊपर का रिटर्न दिया है, गोल्ड ने आपको 7 से 8% का रिटर्न दिया है, और एफडी ने आपको सेम 6 से 7% का रिटर्न एवरेज में निकाल के दिया है लॉन्ग टर्म में। जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको गवर्नमेंट गारंटीड रेट 7% से ऊपर का रिटर्न देती है या एक्सपेक्ट करते हो आप उससे ऊपर का रिटर्न, तो वहां पर कुछ ना कुछ रिस्क होगी। इक्विटीज में इन्वेस्ट करने में आपकी रिस्क होती है वोलेटिलिटी, शॉर्ट टर्म में इक्विटी बहुत वोलेटाइल होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में इक्विटी में इतने ही ज्यादा रिटर्न्स आते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टी में भी सेम रूल अप्लाई होता है, प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म में बहुत वोलेटाइल रहती है, लेकिन क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी ले लेते हैं, क्या आप डेली जाके प्राइस चेक करते हो? क्या आप मंथली प्राइस चेक करते हो? नहीं, आप प्रॉपर्टीज के प्राइस चेक करते हो 10 साल में, इसलिए आपको हमेशा बड़े हुए मिलते हैं, और वही इक्विटीज या म्यूचुअल फंड के आप प्राइस चेक करते हो डेली। हम हमारे सब सारे इन्वेस्टर्स को मोबाइल ऐप देते हैं और डिजिटली इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हैं। कितने इन्वेस्टर्स हैं मेरे जो सुबह उठते ही ब्रश बाद में करते, पहले अपनी यूनिट्स की वैल्यू चेक करते हैं, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की वैल्यू चेक करते हैं। अगर आपकी आदत है कि आप डेली पोर्टफोलियो चेक करने वाले हो, या फिर अगर आपकी आदत है कि आपको रिटर्न्स 1 साल में चाहिए या 2 साल में चाहिए, तो इक्विटी एसआईपी आपके लिए नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बिलो 3 इयर्स का इन्वेस्टमेंट है तो इक्विटी एसआईपी में मत जाइए। अगर आपको बिलो 3 इयर्स में इन्वेस्टमेंट को रिडीम करना है, सेल करना है या प्रॉफिट्स देखने, 3 साल के अंदर अंदर इक्विटीज एसआईपीज आपके लिए नहीं है। प्लीज दूर रहिए इक्विटीज एसआईपीज के लिए, इसकी जगह आप डेट में पैसा रखिए, एफडीज में पैसा रखिए, लिक्विड फंड्स में पैसा रखिए अगर बिलो 3 इयर्स का आपका टाइम होराइजन है। अगर आपको एफडी से लगभग डबल रिटर्न टारगेट करना चाहते हैं और पाना चाहते हैं, तो इक्विटी ही ऐसी जगह है जहां पे हिस्टोरिकली पैसा बना है और आने वाले टाइम में भी बना रहेगा। लास्ट 20 साल में जो प्रॉपर्टीज ने हमें और आपको रिटर्न्स दिया है, उससे ज्यादा रिटर्न्स आई एम एक्सपेक्टिंग इन फाइनेंशियल एसेट क्लास आने वाले 20 सालों में। हम यूजुअली यूएस को फॉलो करते हैं, यूएस में जाके देखिए, 20 साल पहले यूएस में सिर्फ 5 से 7% लोग इक्विटीज या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते थे, आज वही रेट 60% तक पहुंच गई है। इंडिया में आज सिर्फ 4 से 5% इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट 15 से 20 सालों में आप समझ सकते हैं इंडियन इक्विटी मार्केट, फाइनेंशियल एसेट क्लास इंडिया में कहां जाने वाला है। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं, बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो यही है, यही है और सिर्फ यही बनेगा।
पर अगर आप 3 से 4 साल में पैसा बनाना चाहते हैं और इक्विटीज में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में आना चाहते हैं, प्लीज स्टार्टिंग में मत आइए। इक्विटीज म्यूचुअल फंड आपको पर ईयर 15% रिटर्न नहीं देने वाला, वो किस साल में नेगेटिव जाएगा, किस साल में 3-4% रिटर्न देगा, पर बीच में कोई ऐसा साल आएगा जहां आपके रिटर्न्स हो जाएंगे सीधे 100% और आपका एवरेज 15% या 12% का मेंटेन हो जाएगा। ध्यान रखिए इस कंसेप्ट को, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी क्लिक करिए ताकि हमारा कनेक्शन बना रहे। मुझसे सोशल मीडिया हैंडल पे, स्पेशली इंस्टाग्राम पे अभी कनेक्ट हो जाओ, बहुत रेगुलरली फाइनेंशियल वर्ल्ड से रिलेटेड अपडेट्स में वहां डालता हूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आज इक्विटी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो अगर टाइम होराइजन है 5 साल से ज्यादा, और दूर रहो इक्विटी मार्केट से अगर 5 साल से कम में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।